31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए BPL लिमिटेड का निम्न जानकारी से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाइए। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने From the following information, prepare cash flow statement in the books of BPL Limited for the year ending 31st March 2018. वर्ष का शुद्ध लाभ कर के बाद net profit for the year after tax 7,000. प्रारंभिक बैंक शेष opening bank balance 25,500. अंतिम बैंक शेष क्लोजिंग बैंक बैलेंस 32,500, व्यापारिक प्रतिभूतियों में कमी डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 32,000, माल सूची में वृद्धि इंक्रीज इन इन्वेंट्री रुपीज 4,000, देय बिल में वृद्धि इंक्रीज इन बिल्स पेबल रुपीज 42,000, मशीन का विक्रय सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 1,25,000, विनियोग का क्रय परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 20,000, बैंक ऋण का पुनर्भुगतान रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन रुपीज 1,75,000, आयकर का भुगतान इनकम टैक्स पेड रुपीज 3,00,000। इस क्वेश्चन के आधार पर हमको एक सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और कुछ भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से ये कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड जैसे कि हमने वीडियो में देखा और हमने इसकी फॉर्मेट में भी देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हुए इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सभी को इंक्लूड करके एक प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सबसे पहले हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। तो नेट प्रॉफिट एक तो हमको यहाँ पर दिया गया है निकाल कर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 7,000, और इसमें हम टैक्स की अमाउंट को भी इंक्लूड कर देते हैं इनकम टैक्स को, जो कि हमको सबसे लास्ट में यहाँ क्वेश्चन में पर्टिकुलर में दिया गया है 3,000। तो ये हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स रुपीज 10,000। तो डिटेल अमाउंट कॉलम में हम इस 10,000 को लिख लेंगे और फिर हम इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होती है उनको हम लेस कर देते हैं, और अगर हम संपत्तियों और दायित्वों के ऐड एंड लेस की बात करें तो हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो हम उसको ऐड करेंगे, और दूसरी बात कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो फिर हम उसको लेस कर देंगे, और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो फिर हम उसको लेस कर देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पहले बना लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पॉइंट दिया गया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसको निल लिख देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम यहाँ पर लेस करते हैं, वो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसको यहाँ पर निल लिख देंगे। हम अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चलते हैं तो इसको हम पर्टिकुलर में लिख के अमाउंट को निल कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें कुछ ऐड या लेस होने वाली कोई बात हमको मिली नहीं यहाँ, तो जो हमारी टोटल अमाउंट थी नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स रुपीज 10,000 उसी को हम मान लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस रुपीज 10,000। अब हम बात करें यहाँ पर करंट एसेट्स या लायबिलिटी के इंक्रीमेंट या डिक्रीज होने की, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देख रहे हैं जिसमें जो ट्रेड रिसीवेबल है उसके बारे में दिया गया है कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमने जाना कि जब कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो इस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल की जो अमाउंट है 32,000 उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक पॉइंट हम उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर
कि इन्वेंट्री की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है। अब इन्वेंट्री जो है वो तो करंट एसेट्स है, इसकी अमाउंट अगर इंक्रीज होती है तो वो लेस में चला जाएगा। फिलहाल हम ऐड के पोर्शन को पहले बना लेते हैं। यहाँ हम एक पॉइंट देख रहे हैं कि बिल्स पेबल जो कि एक करंट लायबिलिटी है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, और अगर किसी करंट लायबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज होती है तो हम उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमको किसी से कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, बैलेंस निकाल के इंक्रीमेंट डिक्रीज देखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में स्पष्ट दे दिया गया है कि बिल्स पेबल जो है वो 42,000 से इंक्रीज हुआ, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो टोटल यहाँ हम देख रहे हैं कि 10,000 पहले से हमारे पास वर्किंग कैपिटल चार्जेस थे बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसमें से हम जो इन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 32,000 और इंक्रीज इन बिल्स पेबल 42,000 को प्लस कर देंगे, तो टोटल हमको यहाँ पर 84,000 मिल जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तो दिया गया है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है एक हमारी करेंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि 4,000 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो 84,000 माइनस 4,000 तो ये हो गया 80,000। अब एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स, जैसे कि हमने जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई थी तो फॉर्मेट में हमने देखा था कि अगर कोई इनकम टैक्स पेड यहाँ पर रहता है तो लास्ट में हमको उसको फिर से माइनस कर देना होता है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 3,000 को, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 77,000 हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है और इसको हम नेट अमाउंट कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कैश फ्लो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया, अब हमको चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस पूरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है। एक तो क्वेश्चन में पॉइंट दिया है कि सेल ऑफ मशीनरी, मशीन के बेचने से कुछ पैसे मिले हैं, ये हमको इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। और एक पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, साफ साफ लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट परचेस किया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ओवरऑल दो पॉइंट ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों को हम लिख लेते हैं। सेल ऑफ मशीनरी इज ₹1,25,000, डिटेल अमाउंट में हम इसको लिख देंगे। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, इसको हम डिटेल अमाउंट में लिख देंगे। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर हम प्लस या माइनस का साइन लगाएं या ना लगाएं, सीधी सी बात है कि एक मशीनरी हमने परचेस की और सीधी सी बात है कि एक मशीनरी हमने सेल की तो हमारे पास पैसे आए 1,25,000 और एक इन्वेस्टमेंट हमने परचेस कर दिया 20,000 का, तो ये 20,000 हमारे पास से चले गए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो 1,05,000 की है, अगर हम 1,25,000 में 20,000 माइनस करके शो करना चाहें तो। थर्ड पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमको चाहिए, और इस पूरे पॉइंट में, इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम ढूंढते हैं तो एक पॉइंट हमको दिखाई देता है जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ये है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो यहाँ पे ये लोन जो है फाइनेंस रिलेटेड है और रीपेमेंट यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे 1,75,000, और क्योंकि एक ही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तो फिर हम नेट अमाउंट कॉलम में भी उसी की एंट्री कर देंगे। तो ये हमारे पास जो बैलेंस अब आएगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे पास 77,000 का नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, उसके बाद सेकेंड हमारे पास 1,05,000 का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, और उसके बाद हमारे पास 1,75,000 का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी था। और जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हमको जो बैलेंस मिलेगा वो हमारे लिए हो जाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, और ये हमारा आ रहा है 7,000। अब हमने फॉर्मेट में देखा था कि इसके बाद अगर कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट कोई यहाँ पर टॉपिक आता है, कोई पॉइंट आता है, तो उसको हमको यहाँ पर ऐड कर लेना है अगर पॉइंट है तो, अदरवाइज हमको इसको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ओपनिंग कैश बैलेंस हमको दिया गया है 25,500 का, इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 7,000 में,
ये 32,500 हमको मिल जाएगा कैश एंड कैश इक्वावेलेंट बैलेंस एट एंड ऑफ द ईयर। नीचे दिए गए दो स्थिति विवरण से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। देखना है? नीचे दिए गए दो स्थिति विवरण से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टू ईयर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट, समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट, अंशधारी कोष, शेयर होल्डर्स फंड। ए, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 4,80,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 3,75,000। बी, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 34,500 एंड 31 मार्च 2017 रुपीज 15,000। सेकेंड, चालू दायित्व, करेंट लाइबिलिटीज, व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेबल। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 67,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 1,05,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 5,82,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 4,95,000। सेकेंड, संपत्तियां, एसेट्स। फर्स्ट, गैर चालू संपत्तियां, नॉन करेंट एसेट्स। ए, स्थायी संपत्तियां, फिक्स एसेट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 99,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 75,000। बी, गैर चालू विनियोग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 93,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 60,000। सेकेंड, चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। ए, चालू विनियोग, करंट इन्वेस्टमेंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 12,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 15,000। बी, माल सूचियां, स्टॉक, करेंट इन्वेंट्रीज। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 1,35,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 1,20,000। सी, व्यापारिक प्राप्तियां, ट्रेड रिसीवेबल। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 1,72,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 1,80,000। डी, रोकड़ एवं रोकड़ समान, कैश एंड कैश इक्वावेलेंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 70,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 45,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 5,82,000 एंड फॉर 2017 रुपीज 4,95,000। इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, जिसमें सबसे पहले हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी है। फिर इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे और फिर उसके बेस पे हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इनकम टैक्स। और अगर नेट प्रॉफिट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम इसका बेस मान लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 2017 में 15,000 था और 2018 में 34,500 हो गया।
यानी कि दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालते हैं तो करंट ईयर के लिए ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इनकम टैक्स हो जाएगा 19,500। अब क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और ये जो 19,500 यहाँ पर टोटल बनता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस मान लेंगे। इसमें अब हमको रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज जो भी पॉइंट है उसको प्लस या माइनस करना है और ऐसी कंडीशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको लेस कर देंगे, अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको ऐड कर देंगे। वैसे ही लाइबिलिटी के लिए हम फॉलो करेंगे, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको ऐड कर देंगे और अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमको पता चल रहा है कि एक जो ट्रेड पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी है और इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि इस ट्रेड पेबल की जो वैल्यू है ये 2017 में 1,05,000 की थी जो कि 2018 में डिक्रीज होके 67,500 की हो गई, यानी कि 37,500 इसमें डिक्रीज हुआ है और क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको यहाँ पर हम लेस वाले पॉइंट में डालेंगे 37,500। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक जो करेंट इन्वेस्टमेंट है वो हम देख रहे हैं कि 2017 में वो 15,000 का था और 2018 में ये 12,000 का हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ऐसी कंडीशन में जबकि करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है हम उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ऐड वाले पोर्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट ₹3,000। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक इन्वेंट्रीज दी गई है, चालू संपत्तियों के अंतर्गत हमको ध्यान देना है कि कौन कौन से करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं और कौन कौन से करंट एसेट्स डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ हम इन्वेंट्रीज को देख रहे हैं जो कि 2017 में 1,20,000 था और 2018 में ये इंक्रीज होकर 1,35,000 हो गया, यानी कि 15,000 का इंक्रीमेंट है और ये एक करंट एसेट्स है। तो हमने देखा कि करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हम उसको लेस कर देंगे और जितने से इंक्रीज हो रही है केवल उतनी अमाउंट ही लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस वाले पोर्शन में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट इन्वेंट्रीज ₹15,000। एक पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड, ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि हमारे लिए करंट एसेट्स है जो कि 2017 में 1,80,000 का था और 2018 में ये 1,72,500 का हो गया, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ डिक्रीज हुआ है, 7,500 रुपीज इसमें डिक्रीज हुआ है। और ये ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि करंट लाइबिलिटी है और ये ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हम ऐड वाले पोर्शन में लिख देंगे डिक्रीज इन करेंट डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ₹7,500। और अब हम इन दोनों को मिला के देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमको मिल रही है। तो यहाँ पर हम कैश को लॉस में देख रहे हैं कि एक तो हमको लॉस हो रहा है, माइनस के पॉइंट ज्यादा है प्लस के कम है, तो कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पर हम बैलेंस देखेंगे 22,500 का बैलेंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर लें बी पार्ट बी में। तो बी में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चीजें हमको यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। एक तो हमने एक फिक्स एसेट्स परचेस किया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिक्स एसेट्स 2017 में हमारे पास 75,000 का था और 2018 में इसका बैलेंस 99,000 का हो गया, यानी बढ़ गया।
इसका मतलब ये है कि करेंट ईयर में हमने 24,000 की एडिशनल फिक्स एसेट्स परचेस की है। 75,000 माइनस 99,000 यानी 24,000 की एडिशनल फिक्स एसेट्स हमने परचेस की है। अब क्योंकि हमने फिक्स एसेट्स परचेस किए हैं यानी कि हम इसको एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स रुपीज 24,000। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि 2017 में 60,000 का था और 2018 में 93,000 का हो गया, यानी यहाँ पर 33,000 इंक्रीज हुआ है। तो हम ये मान लेंगे कि हमने एक इन्वेस्टमेंट भी नया परचेस किया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा और 33,000 हम यहाँ लिखेंगे। तो टोटल ये कैश लॉस्ट ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 57,000 हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। अब हमको चाहिए सी यानी कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमने जो शेयर इशू किया है, शेयर कैपिटल जो कि 31 मार्च 2017 को 375,000 थी, ये 31 मार्च 2018 में 480,000 की हो गई। इसका मतलब है कि करेंट ईयर में ये जो शेयर इशू किए गए हैं वो 105,000 के हैं। अब ये जो कैश जनरेट, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मिल रहा है वो 105,000 का है। नेट अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हम देख रहे हैं कि नेट कैश जनरेटेड आता है हमारा 25,500, यानी कि हम 105,000 में से अगर 57,000 को माइनस कर दे तो ये हमको नेट कैश जनरेटेड यहाँ पर मिल जाता है 25,500। और अगर कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट पॉइंट हमारे पास है दिखाई दे रहा है तो उसको यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेट में या वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट लास्ट में दिखाई दे रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि इंक्रीज हो रहा है, 2017 में 45,000 का था और 2018 में 70,500 का हो गया, यानी कि यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं कि 45,000 से इंक्रीज हुआ है जिसको कि हम नेट कैश जनरेटेड में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 70,500 का बैलेंस हो जाएगा जिसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट कैश जनरेटेड है उसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से कैश लॉस जो हो रहा है लॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये दोनों अमाउंट यानी 22,500 और 57,000 इन दोनों अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा नेट कैश जनरेटेड रुपीज 25,500। निम्न स्थिति विवरण से नंदन लिमिटेड का रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नंदन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। विवरण पहला, समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट, अंशधारी कोष शेयर होल्डर्स फंड ए, अंश पूंजी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 80,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 80,000। बी, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस For the year ended 31st March 2018, Rs. 50,000 and for the year ended 31st March 2017, Rs. 8,000. Second, Gair Chalu Daitu, non-current liabilities, Dirdhkalin Rin, long-term borrowing, 10% debenture for the year ended 31st March 2018, Rs. 30,000. And for the year ended 31st March 2017, Rs. 20,000. Third, Chalu Daitu, current liabilities. A, Vyaparik Deyataen, trade payables for the year ended 31st March 2018, Rs. 14,400. And for the year ended 31st March 2017, Rs. 28,000. B, Alpakalin Ayojan, short-term provision for the year ended 31st March 2018, Rs. 17,200
एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹12,000, टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,91,600 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,48,000। सेकेंड, संपत्तियां, एसेट्स। फर्स्ट, गैर चालू संपत्तियां, नॉन करेंट एसेट्स। ए, स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट्स, 31 मार्च 2018 ₹1,29,200, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹73,600। दूसरा, चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। ए, माल सूची, स्टॉक, इन्वेंट्री, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹28,800, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹20,000। बी, व्यापारिक प्राप्तियां, ट्रेड रिसीवेबल, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹20,400 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹30,000। सी, रोकड़ एवं रोकड़ समान, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 31 मार्च 2018 ₹13,200 एंड 31 मार्च 2017 ₹23,600। डी, अन्य चालू संपत्तियां, अदर करेंट एसेट्स, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹0 एंड 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹800। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,91,600 and for the year ended 31st March 2017 ₹1,48,000। इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके पहले हमको नोट्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट, अल्पकालीन आयोजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फर्स्ट, करों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹6,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹4,000। प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹11,200 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹8,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹17,200 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹12,000। सेकेंड, स्थायी संपत्तियां, फिक्स एसेट्स। संचित हास माइनस एक्युमुलेट स्थायी संपत्तियां, फिक्स एसेट्स, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,50,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹88,000। Sanchit has minus accumulated depreciation rupees for the year ended 31st March 2018 ₹20,800 and for the year ended 31st March 2017 ₹14,400। Total for the year ended 31st March 2018 ₹1,29,200 and for the year ended 31st March 2017 ₹73,600। इस क्वेश्चन में हमको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक तो हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए, जिसके बेस पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल पाएंगे एंड नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल पाएंगे। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और इसमें हम शामिल करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और फिर इनके बेस पे हम नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे और साथ में हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो सबसे पहले जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टैक्स रिलेटेड अमाउंट दी गई है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस अब दिया गया है। प्रॉपर नेट प्रॉफिट कहीं पे कैलकुलेट करके नहीं दिया गया है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के बेस पे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 2017 में 8,000 का था और 2018 में 50,000 का हो गया। यानी कि हम ये मान लेंगे कि करेंट ईयर में 42,000 जेनरेट हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स। फिर हमको इसमें ऐड एंड लेस करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमको ऐड करना है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमको लेस करनी है, जो कि जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम उसको यहाँ पर निल लिखेंगे और 42,000 की ही अमाउंट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस मान लेंगे। अब हमको इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने के, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि अगर कोई करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको हम ऐड करेंगे, और अगर कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फिर हम उसको लेस कर देंगे। जस्ट अपोजिट, अगर कोई करेंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो हम ऐड करते हैं, और अगर कोई करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो फिर हम उसको लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक दिया हुआ है, और वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इंक्रीज कितना हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो टोटल ये 5,200 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, अगर हम नोट्स ऑफ अकाउंट चेक करें तो 31 मार्च 2017 को ये हमको 12,000 का दिखाई दे रहा है, और 31 मार्च 2018 को ये 17,200 शो कर रहा है, यानी कि 5,200 यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो केवल 5,200 की इस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। हम संपत्तियों को देखें तो फिक्स एसेट्स को तो हम इसमें लिखते नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स को हम कंपेयर करें तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है एड में लिखने के लिए, एक तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल है जो कि पहले था 2017 में 30,000 का, और 2018 में फिर ये घटकर 20,400 का हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ है 9,600 से। और क्योंकि ये करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो फिर हम इसको यहाँ पर ऐड में लिखते हैं, और जितने से डिक्रीज हुआ है सिर्फ उतनी ही अमाउंट हम यहाँ ऐड कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड में डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और 9,600 की अमाउंट को डिटेल अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है लास्ट में, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2017 में 800 का शो हो रहा है, और 2018 में बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि निल है, यानी कि वो पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो इस पूरे के पूरे लॉस को हम मान लेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक करेंट एसेट्स में लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा एड का। एड वाले कॉलम में हम लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड रुपीज 800 से हम डिटेल कॉलम में, डिटेल अमाउंट कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे। और अब जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो हमने देखा कि 42,000 के अमाउंट जो थी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस थी। इसमें हमने जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीज जो एड किए हैं, अगर उनको हम पूरे के पूरे को इसमें एड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाती है 57,600। दो चीजें हमको यहाँ पे लेस करने वाली भी दिख रही हैं। एक हम देख रहे हैं कि ट्रेड पेबल है यहाँ पर, जो कि 31 मार्च 2017 को 28,000 का था, और 31 मार्च 2018 को 14,400 का हो गया, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात, ये करंट लायबिलिटी है, हमने देखा कि जब कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फिर उसको यहाँ पर हम लेस कर देते हैं, और कितने से ये डिक्रीज हो रही है, 13,600 से ये डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम लेस में लिख देंगे। इन्वेंट्री हमको यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, इन्वेंट्री को हम देखें तो ये भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 2017 में ये इन्वेंट्री थी 20,000 की,
और 2018 में ये इन्वेंट्री थी 28,800 की, यानी कि 8,800 से ये डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम लिख देंगे लेस में। तो ओवरऑल ये हम अगर पूरी अमाउंट लेस वाली एक साथ इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रुपीज 35,200। ये तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड हमको चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम इस पूरे क्वेश्चन में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कहीं कोई पॉइंट दिया गया है क्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिक्स एसेट्स जो हमारे पास 2017 में 73,600 की थी वो 2018 में 1,29,200 की हो गई, यानी यहाँ पर 55,600 की अदर फिक्स एसेट्स हमने और परचेस की है करेंट ईयर में। तो उसकी अमाउंट यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स रुपीज 55,600। और कोई भी अमाउंट यहाँ पर हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप में, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी जैसे शेयर या डिबेंचर इश्यू करना, बैंक लोन, इस तरह की एक्टिविटीज को हम सर्च करें तो यहाँ पर हमको एक बोरोविंग दिख रहा है, एक डिबेंचर दिख रहा है जिसमें दिया गया है कि एक दीर्घकालीन ऋण, एक लॉन्ग टर्म लोन है जो कि 31 मार्च 2017 को 20,000 था और 18 में ये 30,000 हो गया, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा बोरो किया गया है। तो सिर्फ उसी अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, या फिर हम डिबेंचर लिख सकते हैं उसको ब्रैकेट में, और डिफरेंस के जो अमाउंट है यानी करंट ईयर में जो प्रोसीड हुआ है उस 10,000 की अमाउंट को हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब हमारे पास नेट अमाउंट कॉलम में एक अमाउंट है नेट कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 35,200। उसके बाद हमारे पास एक अमाउंट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 55,600। और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हम नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि 2017 में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23,600 का था और 2018 में ये 13,200 का हो गया, यानी कि यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है 10,400 से। तो इसके अमाउंट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये हम देख रहे हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर 23,600 था और अब अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो 13,200, जो कि हम चेक करके भी देख सकते हैं संपत्तियों के अंतर्गत दिया गया है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2018 में 13,200 से शो हो रहा है।